दुर्ग में रविवार को कोसरिया यादव महासभा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दुर्ग पहुंचते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दरगाह शरीफ पहुंचकर हाजिरी दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के द्वारा दुर्ग शहर में रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। इस मौके पर दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर पहुंचकर अपनी हाजिरी दी और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े समाज की भीड़ को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि मैं जनता की भलाई के लिए योजनाएं लागू करता हूं, तो वहीं अब की बार आप लोगों को भी बटन दबाकर सहयोग करना होगा। कि देखो, एक तो छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेन बंद कर दी गई, इसको कोयला ढुलाने का ही बना दिए, केवल कोयला ढुलाना है छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सारी ट्रेनें रद्द। और दूसरी बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में भी आपको एक्सप्रेस का किराया ले रहे हैं, तो नागरिक सुविधा कुछ नहीं है। और लगातार ट्रेनों में जो सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो शून्य होते जा रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। इसके खिलाफ में 13 तारीख कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करने जा रही है। बहुत ज़्यादा है, हाँ, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे जी, इसमें बहुत अंतर कला है। रमन सिंह को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। लड़ाई झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में बहुत रही है। प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को महिला सम्मेलन में आ रही हैं और लाखों महिलाएँ उस दिन भिलाई में होंगी। अब वो 5 साल बाद तब चुनाव नज़दीक आया, तो बंगले से निकले हैं, तो उसको तो दिखाई देगा नहीं। 5 साल में जितने अब वहाँ मेडिकल कॉलेज से लेकर आपके स्टेडियम से लेके बच्चों खेलने कूदने से लेके स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल, सड़कें, प्लेग्राउंड सब कुछ बना है, वो अब घूमेंगे तो दिखेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।